जय श्री कृष्णा दोस्तों, जायका जिंदगी का में आप सभी का स्वागत है। जायका जिंदगी का में आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल बेसिक वाइट ग्रेवी बनाएंगे। इस ग्रेवी की हेल्प से आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही बहुत सी सब्जियां बना सकते हैं। आप इसे मलाई कोफ्ता बनाइए, पनीर की सब्जी बनाइए, नवरत्न कोरमा बनाइए, या आप चाहें तो इसमें चिकन भी बना सकते हैं। तो चलिए वाइट ग्रेवी बनानी शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके लिए मैंने चार प्याज लेकर उनको धोकर स्लाइस करके इस तरह से बॉयल होने के लिए रख दिया है। प्याज को हम लगभग 4 से 5 मिनट तक के लिए बॉयल करेंगे। उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। साथ ही मैंने लिए हैं 10 से 15 काजू, इतने ही बादाम और 1 टेबलस्पून खरबूजे के बीज। इन्हें आप ओवरनाइट सोक कीजिए या फिर आप इन्हें 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए। उसके बाद हम इनका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने से पहले हमें बादाम के छिलके उतार लेने हैं। अगर आप बादाम ना लेना चाहें तो आप सिर्फ काजू और खरबूजे के बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच बटर। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, एक तेज़पत्ता, एक मोटी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी और 2 हरी इलायची। इन्हें हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है। खड़े मसाले हल्के भून जाएं उसके बाद हम उबली हुई प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हम वाइट ग्रेवी बना रहे हैं इसलिए हमें मसाले का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है। प्याज को तो हमने पहले से ही उबाल लिया था, इसलिए 3-4 मिनट भूनने के बाद प्याज बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद हो तो आप हरी मिर्च का पेस्ट ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये वाइट ग्रेवी है तो हम इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब सभी मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच चीनी। सभी सूखे मसालों को भी हम अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। सूखे मसाले भी अब अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। आप इसमें दूध के ऊपर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। इस वक्त हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर ही हमें इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक इसमें से घी अलग ना हो जाए। उसके बाद हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून दही। दही डालने के वक्त हमें गैस की फ्लेम हमेशा लो ही रखनी चाहिए, नहीं तो दही फट जाती है। अब हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसे अच्छी तरह से स्टर करेंगे। अब हमें इसे लो फ्लेम पर तब तक पकने देना है जब तक इसमें से घी अलग ना हो जाए। बीच बीच में हम इसे स्टर करते रहेंगे। अब इसमें से घी अलग हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे काजू, बादाम और खरबूजे के बीज का पेस्ट। इसे हम स्टर करते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देना है। इससे ये अच्छी तरह से भून जाएगा। 2 से 3 मिनट इसे भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 कटोरी दूध। अगर आप दूध स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी ग्रेवी पानी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन दूध के साथ ग्रेवी बनाने से ग्रेवी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं 1/2 कटोरी पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 कटोरी दूध का। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रेवी में जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे। हम इसे ढककर लगभग 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। लो फ्लेम पर इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी वाइट ग्रेवी तैयार हुई या नहीं।
अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली लग रही हो तो आप हाई फ्लेम पर इसे 1 से 2 मिनट तक दोबारा से पकने दीजिए। हमारी वाइट ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, आप ग्रेवी की थिकनेस देखिए, ग्रेवी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रीमी बनी है। ये देखिए, ये हमारी बेसिक वाइट ग्रेवी तैयार है। रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में इसी तरीके से वाइट ग्रेवी बनाई जाती है। आप इसमें अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी बनाइए और एंजॉय कीजिए।